नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या योगी आदित्यनाथ उस राजनीति के दूसरे ब्रांड मोदी बन सकते हैं जिस राजनीतिक ब्रांड के आगे फिलहाल दूसरे सभी ब्रांड फीके पड़ गए हैं? राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ विकास, गुड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस वाली पॉलिटिक्स में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ क्या यूपी में विकास के पोस्टर बॉय बन सकते हैं? आज हम खबरदार में सबसे पहले इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर पहले संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा साफ किया है कि परफॉर्मेंस वाली पॉलिटिक्स ही उनकी प्राथमिकता में है, जिसमें सबसे पहला फोकस कानून व्यवस्था पर होगा, जिससे वो अपनी गढ़ी हुई छवि को तोड़ने के संकल्प के साथ दिख रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यही कि राजनीति की अपनी गढ़ी हुई छवि से आगे बढ़कर क्या योगी आदित्यनाथ यूपी में बेहतर शासन के मामले में अपना अलग ब्रांड योगी बना सकते हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के पास अब पावर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ विकास वाली राजनीति की रोल मॉडल क्या वैसे ही बन सकते हैं जैसे पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने अपनी अलग तरह की राजनीति का ब्रांड तैयार किया, जिसमें हिंदुत्व के साथ साथ परफॉर्मेंस वाली पॉलिटिक्स और विकास की मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहना जरूरी है। 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति से यहाँ की जनता को भारी नुकसान पहुंचाया है। समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेगी। इसके लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जाएगा। चुनाव प्रचार के समय बीजेपी की सभाओं में मोदी मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता था, शपथ ग्रहण समारोह आते आते उसी जोश के साथ उसमें योगी योगी का नाम भी जुड़ गया। गोरक्ष पीठ से लेकर 5 कालिदास मार्ग का सफर तो योगी ने बहुत तेजी से पूरा किया है, लेकिन मोदी ने जो सपने यूपी को दिखाए हैं और योगी की जो छवि है उसके बीच काफ़ी बड़ा फासला है। देखना है योगी से कुशल प्रशासक बनकर योगी आदित्यनाथ इस फासले को कितनी तेजी से पूरा करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वो कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी के चौथे मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन योगी को यूपी की सत्ता सौंपना बीजेपी के लिए किसी बड़े दांव से कम नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति की छवि कट्टर हिंदुत्व से गढ़ी है जो विकास की मोदी ब्रांड पॉलिटिक्स से अक्सर टकरा जाती है। सवाल यही है कि क्या यूपी में योगी मोदी जैसा अपना ब्रांड तैयार कर पाएंगे? मैं विधि द्वारा स्थापित भोजन, आवास, सड़क, पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार, आम जनता को स्वास्थ्य, कृषि, किसान तथा खेतीहर मजदूर, इन तीनों के विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए आए योगी आदित्यनाथ ने अपने 10 मिनट की बात में उस छवि से दूर दिखे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। योगी ने साफ कर दिया कि उनके एजेंडे पर विकास और सुशासन ही है, जिसके रास्ते ही नरेंद्र मोदी ने देश में पॉलिटिक्स का मोदी ब्रांड तैयार किया है, जिसके सामने फिलहाल राजनीति का हर ब्रांड फीका पड़ गया है। हम प्रदेश की जनता को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहते हैं, राज्य सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अपने पहले संबोधन में बहुत संयमित दिखे और वो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र जिसे बीजेपी लोक कल्याण संकल्प कहती है उसी पर फोकस करते हुए बोले, जिसमें कानून व्यवस्था पर फोकस से लेकर शिक्षा रोजगार सबका साथ और सबका विकास के स्लोगन की ही बात की गई। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें समान अवसर देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए भी प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता से कार्य करेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ को अभी किसी और से नहीं बल्कि अपने छवि से ही लड़ना है, जिसके लिए उनकी आलोचना होती रही है और जिसके लिए उनके चाहने वाले भी कम नहीं हैं। ये तो नहीं है कि योगी अपने छवि को तोड़ेंगे, क्योंकि ये छवि ही उनकी राजनीतिक पहचान भी है और जिसकी मास अपील पर सबसे बड़े सूबे में 40 साल के सबसे बड़े जनादेश और बीजेपी के 14 साल के राजनीतिक वनवास के बाद योगी को कैप्टन बनाने का साहसिक फैसला टीम मोदी ने किया है। हम इस वक्त लोकनायक भवन में मौजूद हैं। इस वक्त देखिए आप, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अपने कैबिनेट के साथियों के साथ ऊपर जाएंगे और वहाँ पर फॉर्मल जो ज्वाइनिंग का है वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की नेम प्लेट भी लग गई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद योगी अपने मंत्रिमंडल की परिचय बैठक भी करने पहुंचे। पहला फैसला हुआ कि 15 दिन के अंदर सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। कुर्सी संभालते ही योगी एक्शन में आते हुए दिख गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि आपकी जो चल अचल संपत्ति है आप उसका ब्यौरा 15 दिन में दें, ये बहुत ही अच्छी बात है। संकल्प पत्र जो चुनाव के समय जारी किया गया था उसका कार्यान्वयन पूरी तरीके से हो। दरअसल आज केवल औपचारिक हम लोगों का परिचय हुआ है। इस चीज पे निर्णय अनौपचारिक था, कोई निर्णय नहीं है। अब नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग जब होगी तब निर्णय होंगे। जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी उन्होंने। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करना। योगी आदित्यनाथ के साथ पहली बार यूपी में दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। इनके जरिए ओबीसी और ब्राह्मण के सामाजिक समीकरण को भी संतुलित करने की कोशिश की गई। लेकिन इस प्रतीकात्मक राजनीति से ज्यादा सवाल ये है कि यूपी में टीम योगी किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि बड़ा जनादेश है और बड़ी अपेक्षाएं भी हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2014 के जनादेश के साथ ही पूरे देश की अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी से थी। मन में यही आ रहा है कि दुनिया से सबसे सुंदर मेरा उत्तर प्रदेश, सबसे सुंदर उत्तर प्रदेश हो। सबसे बड़ा चुनौती क्या होगी सर यहाँ पर? सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो भी होंगी उसका सामना करेंगे। और सबसे पहला आपका निशाना क्या है? उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना, सुशासन के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए रोजगार के अवसर पैदा करते हुए। योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियाँ बड़ी हैं और इसमें भी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के साथ साथ विकास के पोस्टर बॉय कैसे बनेंगे। कहने को तो योगी को देश की राजनीति में भविष्य का मोदी भी मानने वाले बहुत लोग हैं। सिर्फ 45 साल की उम्र और सबसे बड़े सूबे को चलाने का सबसे बड़ा चांस। अगर टीम योगी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनके लिए देश के ब्रांड मोदी की तरह यूपी में ब्रांड योगी बनने का बड़ा मौका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी और उसके बाद ज्यादा सवाल लेने से इनकार कर दिया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तय हो गया कि तमाम मंत्री 15 दिनों में अपनी चल अचल संपत्ति का हलफनामा देंगे। सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन एक बात इस बात से साफ हो गई कि जिस तरीके से नृपन मिश्रा ने शपथ के बाद तकरीबन एक घंटे तक योगी आदित्यनाथ से मीटिंग की है, पूरी कैबिनेट और पूरी सरकार एक खास स्क्रिप्ट पर चल रही है जिस पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री की नजर है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। उत्तर प्रदेश में 40 साल के सबसे बड़े जनादेश और 300 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद यह आसान नहीं था कि मंत्रिमंडल के लिए 47 लोगों को कैसे चुना जाए। लेकिन टीम योगी में हर तरीके से बैलेंस करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें संगठन में बरसों से काम करने वाले पुराने नेता हों या फिर दूसरी पार्टियों से आए हुए बड़े चेहरे, या फिर क्षेत्रीय पहचान हो या फिर सबसे बड़ी जातीय पहचान हो, मुख्यमंत्री सहित कुल मिलाकर 47 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई, जिसमें दो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। इसके अलावा
22 कैबिनेट मंत्री। मैं आदित्यनाथ योगी केशव प्रसाद मौर्य डॉक्टर दिनेश शर्मा सूर्य प्रताप शाही सुरेश खन्ना स्वामी प्रसाद मौर्य सतीश महाना राजेश अग्रवाल रीता बहुगुणा जोशी चेतन चौहान स्वाति सिंह। 40 साल में पहली बार 312 विधायक जिस पार्टी से चुनकर आए और गठबंधन को 325 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला हो, उसके लिए सीएम का चेहरा चुनना जितना चुनौतीपूर्ण था उतना ही चुनौतीपूर्ण था नए सीएम की टीम को चुनना। जिसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय और जातिगत पहचान वाली राजनीति को फिट करना बल्कि इतने ज्यादा विधायकों के बीच मंत्रियों के लिए 46 लोगों का सिलेक्शन करना है, क्योंकि इसमें पुराने लोगों को भी जगह देनी है और उन लोगों को भी फिट करना है जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में लाए गए। प्रताप सिंह सुरेश राणा राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह। 22 कैबिनेट मंत्रियों में तीन बड़े चेहरे जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में लाए गए थे, इसमें कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य जो लंबे वक्त मायावती के राइट हैंड रहे और बीएसपी के नंबर दो रहे और 5 साल विपक्ष के नेता भी रहे, उन्हीं के साथ ही ब्रजेश पाठक जो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में सतीश मिश्रा के साथ रहे थे, लखनऊ सेंट्रल से विधायक ब्रजेश पाठक को भी चुनाव से पहले अमित शाह बीजेपी में लेकर आए थे, और लखनऊ कैंट से ही इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनी गई रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी और इस बार मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को चुनाव में हराया है। कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। मोदी के विकास के एजेंडे पर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें पूर्ण प्रचंड बहुमत का निर्देश दिया है, हम उत्तर प्रदेश की जनता की जवाबदेही पूरा प्रदर्शित करेंगे और जो विकास का एजेंडा है उस पर बड़े पैमाने पर काम होगा। एजेंडा बिल्कुल साफ एजेंडा है, गुंडा राज नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शी सरकार होनी चाहिए और सीधी सी बात है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कोई वर्ग अपने आप को अलग ना समझे, कोई जात कोई समुदाय अलग ना समझे, सबको सुरक्षा हो, सबके लिए अच्छा वातावरण हो, एक कठिन काम है, करा जाएगा, बहुत अच्छे से किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों की दल बदलू वाली इस लिस्ट में मऊ की मधुबन सीट से विधायक दारा सिंह चौहान का भी नाम है जो बीएसपी से बीजेपी में आए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और बीएसपी में रहे एसपी सिंह बघेल जो फिरोजाबाद की टुंडला सीट से जीते हैं, वो 2014 में ही बीजेपी में आ गए थे। इसके अलावा मथुरा की छाता सीट से जीते लक्ष्मी नारायण चौधरी जो बीएसपी से बीजेपी में आए और इलाहाबाद दक्षिण सीट से जीते दागी छवि वाले दबंग नेता नंद कुमार नंदी जो बीएसपी सरकार में भी मंत्री रहे और फिर कांग्रेस में गए और चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आ गए। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर दिया है कि न मैं बैठूंगा न बैठने दूंगा। इसका मतलब है कि विकास के लिए इस प्रदेश की जो विकास का जो सोच है इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही तय कर दिया है और सबका साथ सबका विकास। लेकिन पार्टी बदलकर आए 7 बड़े नामों को कैबिनेट मंत्री बनाने के साथ ही बीजेपी अपने संगठन के पुराने लोगों और पुराने नेताओं को नहीं भूली, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में से 5 नेता ऐसे हैं जो यूपी में बीजेपी की पिछली सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। इसमें देवरिया की पथरदेवा सीट से विधायक सूर्य प्रताप शाही जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शाहजहांपुर से 8 बार बीजेपी के विधायक सुरेंद्र खन्ना जिनका नाम सीएम पद की रेस में भी चल रहा था, कानपुर की महाराजगंज सीट से 7 बार विधायक सतीश महाना जिनका नाम भी सीएम की रेस, और पश्चिमी यूपी के आंवला से 4 बार विधायक और बीजेपी के लोध चेहरा धर्मपाल सिंह सैनी ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। जनता ने एक विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, उस मैंडेट के प्रति खरा उतरना ही हमारी विश्वसनीयता को प्रूव करेगा और हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे, प्रदेश को एक साफ सुथरी सरकार देंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का एक एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, हम सबके विकास के लिए और सबके साथ चल करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर छवि वाले लोगों को बनाने के बाद क्या कोई विशेष समुदाय को इससे असर नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को सबके साथ मिलकर के सबके साथ चल करके काम करना चाहते हैं। राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। पहली बार मंत्री बनने वालों में
बरेली केंद्र से बीजेपी के 6 बार विधायक रहे राजेश अग्रवाल, जो बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा कानपुर की गोविंद नगर सीट से 3री बार विधायक बने सत्यदेव पचौरी, जो बीजेपी के पुराने नेताओं में से एक हैं। इसके अलावा जयप्रताप सिंह और प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से विधायक राजेंद्र प्रताप सिंह पहली बार मंत्री बने हैं। मैं मुकुट बिहारी वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इसके अलावा बहराइच की कैसरगंज सीट से जीते मुकुट बिहारी वर्मा, जो 3री बार विधायक बने और पहली बार मंत्री पद मिला है। ओम प्रकाश राजभर। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और गाजीपुर की जहुराबाद सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। प्रदेश का विकास ठप था, कानून व्यवस्था खराब थी, तो विकास के कार्य जो अधूरे हैं उनको पूर्ण कराने का काम किया जाएगा। जो कानून व्यवस्था खराब है उसे दुरुस्त करने का काम करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसको पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों में 4 जाने पहचाने नाम। अमरोहा के नौगावा सीट से जीते पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान, जो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। आशुतोष टंडन, जो लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेता लालजी टंडन के बेटे हैं और लखनऊ ईस्ट से चुनाव जीते हैं। इलाहाबाद पश्चिम से जीते और पहली बार विधायक बने सिद्धार्थनाथ सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, जो मथुरा से पहली बार विधायक बने, इनको भी टीम योगी के कैबिनेट में जगह मिली है। गाँव का चौमुखी विकास और सुरक्षा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, बहन बेटियों की सुरक्षा, बिगड़ती कानून व्यवस्था उसको ठीक करना और डेवलपमेंट, बिजली पानी सड़क और यहाँ सूबे का वातावरण सही करना, जिससे यहाँ इंडस्ट्री आए, नौजवानों को रोजगार मिले, हर घर में बिजली पहुँचे, स्वच्छ पीने का पानी मिले और शिक्षा स्वास्थ्य जो बिल्कुल चरमरा गई है वो ठीक हो। देखिए, हमारी जो पहली चीज है वो है विकास, और विकास के अनेक मापदंड हैं, जिधर से शुरू हो, चाहे किसानों के लिए करें, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर करें, विकास के अनेक मापदंड हैं, उन पे हम लोग उसको अमल करेंगे। हमारा संकल्प पर उसका एक आधार बनेगा। मैं श्रीकांत शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। यानी यंग ब्रिगेड से लेकर संगठन के लिए परसों काम करने वाले पुराने नेताओं और दूसरी पार्टी से लाए गए बड़े चेहरों और जमीनी नेताओं का बैलेंस योगी मंत्रिमंडल में बनाने की कोशिश की गई है। आज तक ब्यूरो। हमने उत्तर प्रदेश के 2 उपमुख्यमंत्रियों में से एक केशव प्रसाद मौर्य से नई सरकार के एजेंडे के बारे में पूछा है। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की चुनावों में और वो नतीजा सबके सामने अप्रत्याशित जीत। केशव जी, मुझे ये बताइए, अगर इन चुनावों की बात की जाए और उसके बाद जो परिणाम आया, ये परिणाम आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ये क्या संदेश दे रहा है परिणाम? मैसेज है कि सपा बसपा यूपी को बर्दाश्त नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के माध्यम से विकास की संभावना है, सुशासन की संभावना है, उसके लिए लोगों ने अपना जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जो जनता के सामने प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर हम सेवा करने का काम करें। केशव जी के पास बहुत कठिन अभी चुनौतियां हैं। अगर बात की जाए, जो प्रधानमंत्री ने एक जिक्र किया था जब उन्होंने कार्यभार संभाला था, उन्होंने कहा था कि इतना 60 साल का कचरा है, सब साफ करना है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा कचरा है जो आपको सबसे पहले साफ करना होगा? कचरा है और उसे साफ करने की शुरुआत करने पर विचार विमर्श जारी हो गया है और जल्दी ही आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे क्रमशः। और हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं और यूपी में सारी सामर्थ्य भी है और वह सामर्थ्य का उपयोग करने की जगह उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की गई, जो देश प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए तो उसे बर्बाद करने का प्रयास किया गया। तो अब वह दिन आ गया है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम अच्छा काम करके देने का। ठीक, केशव जी, एक आखिरी सवाल। आप 2 उपमुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री हैं, ये संभालना कठिन होगा या ये संभालना आसान होगा, या कैसे आप इस चुनौती को देखेंगे? आसान होगा। टीम योगी में सबसे ज्यादा ओबीसी और अपर कास्ट नेताओं को जगह मिली है और यही समीकरण था जिसके सहारे बीजेपी का ना सिर्फ 14 साल का राजनीतिक बनवास खत्म हुआ बल्कि 40 साल की सबसे बड़ी जीत भी हासिल हुई। 22 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और 13 राज्य मंत्री बनाए गए, जिसमें ज्यादातर नेताओं को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है। एक मुस्लिम चेहरे और एक यादव चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है।
17 ओबीसी, 7 ठाकुर, 7 ब्राह्मण, 7 वैश्य, 6 दलित, 2 जाट, 1 मुस्लिम, 1 यादव। यूपी में टीम योगी के सुपर 47 का विश्लेषण। यूपी में प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी के लिए सरकार में जाति वाला बैलेंस रखने की चुनौती थी, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में ओबीसी और अपर कास्ट वोटर का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि टीम योगी के कुल 47 चेहरों में 17 ओबीसी, 7 ठाकुर, 7 ब्राह्मण और 7 वैश्य समुदाय से जुड़े नेताओं को जगह मिली। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह का नाम है, जो सीएम की रेस में भी माने जा रहे थे। स्वतंत्र देव किसी सदन के सदस्य नहीं है और वो बीजेपी संगठन के पुराने लोगों में है। इसी तरह महेंद्र सिंह का नाम है, जो बीजेपी के संगठन में ही काम करते हैं। वो विधान परिषद के सदस्य हैं। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो कि जाट नेता हैं, वो मुरादाबाद के इलाके से यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं और बीजेपी के पुराने नेताओं में हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों में विवादित सुरेश राणा का भी नाम है, जो मुजफ्फरनगर की थाना भवन सीट से विधायक हैं और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति का दबंग चेहरा है। संकल्प पत्र जो चुनाव के समय जारी किया गया था, उसका कार्यान्वयन पूरी तरीके से हो, और सबसे पहली बात माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इसी के साथ अनुपमा जायसवाल, जो बहराइच सीट से बीजेपी की विधायक चुनी गई हैं, तराई के इलाके की वो पुरानी नेता हैं। बलिया से उपेंद्र तिवारी, जिन्होंने अखिलेश सरकार के मंत्री अंबिका चौधरी को हराया है। पश्चिमी यूपी से धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने विवादित कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को सहारनपुर के नकुर सीट पर हराया। वाराणसी की शिवपुर सीट से जीते बीजेपी के राजभर चेहरे अनिल राजभर, और सबसे चर्चित नाम स्वाति सिंह, जो कि बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी है, जो मायावती पर अभद्र टिप्पणी से चर्चा में आए, जिसके बाद स्वाति सिंह ने मायावती को चुनौती देकर बड़ी चर्चा बटोरी थी। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर स्वाति सिंह ने मुलायम सिंह यादव के भतीजे अनुराग यादव को हराया। देखिए, जो भी है, जिस चीजें इंप्लीमेंट होंगी, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार इतने जड़ तक चला गया है कि थोड़ा टाइम लगेगा, उन चीजों से को खत्म करने में टाइम लगेगा। राज्य मंत्रियों में चंदौसी की पुरानी बीजेपी नेता गुलाब देवी, जो चौथी बार विधायक बनी और आरएसएस के काफी करीबी है। इसके अलावा देवरिया से जयप्रकाश निषाद, कन्नौज की छिबरामऊ सीट से अर्चना पांडे, जहानाबाद सीट से जयकुमार जैकी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, फतेहपुर के हुसैनगंज से रविंद्र प्रताप सिंह और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नीलकंठ तिवारी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि हमारी प्राथमिकताएं ये होंगी कि पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में हम शिक्षा और खेतों में पानी और रोडें सड़कें हर तरीके से समाधान करेंगे, गरीबों को कोई आपत्ति परेशानी नहीं होगी। तीन प्राथमिकता क्या है आपकी? महिलाओं का सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, और जो छिबरामऊ विधानसभा में या उत्तर प्रदेश में कहीं जो महिलाओं को पानी दूर दूर से लाने की जो संकट दिखाई पड़ता है, उसको मैं प्राथमिकता पर लूंगी। और उन्हें सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग उसको साकार करने की कोशिश करेंगे। दलित नेताओं में बुंदेलखंड के ललितपुर से चुनाव जीते मनोहर लाल कोरी और अमेठी के जगदीशपुर सीट से 35 साल के विधायक सुरेश पासी राज्य मंत्री बने हैं। इसके अलावा अदरौली से पहली बार चुनाव जीते 28 साल के संदीप सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं। लोकतंत्र में क्या है, पार्टियां ऊपर नीचे जाती रहती है,
तो हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारी पार्टी के 9 विधायक जीत कर आए हैं और उसमें आज जय कुमार जी ये मंत्री पद की शपथ ली है। चुनौती तो हमारे सामने एक ही है, उत्तर प्रदेश इतने वर्षों में गुंडा राज भ्रष्टाचार के लिए जाना गया, विकास की उपेक्षा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी NDA की जो सरकार बनी है और आज तमाम हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय सभी मंत्रियों ने शपथ ली है और सारे हमारे विधायक हैं, सब मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और सुशासन को गति देने का काम करेंगे। मैं गिरीश चंद्र यादव। टीम योगी में एक यादव को भी जगह मिली है। जौनपुर सदर से जीते गिरीश यादव को राज्य मंत्री बनाया गया है। मुस्लिम चेहरे के तौर पर मोहसिन रजा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा BJP के संगठन में काम करते रहे हैं, वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य भी नहीं है। उनके जरिए मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिया गया है, हालांकि BJP ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा एक जवाब दे दिया आम लोगों को। जो लोग हमारे अपोजिशन के लोग इस बात का सवाल उठाते थे, हमेशा से ही कहा जाता था कि सबका साथ सबका विकास की सरकार है, तो अब तो कोई संदेह नहीं रह गया ना बालकृष्ण। आप देखिए, और हम विकास के लिए ही बनाए हैं सरकार, हम विकास करेंगे। जो पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश का हाल था, उस हाल को सीधा थोड़ा बेहतर किया है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने, और मोदी जी ने हमको जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके तहत सिर्फ और सिर्फ विकास का कार्य होगा। योगी जी पर भरोसा करते हुए उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो भी वैसा ही कार्य करेंगे जैसा कि मोदी जी केंद्र में कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के तमाम आश्वासनों के बावजूद भी योगी की कट्टर छवि को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में आशंकाएं बढ़ी हुई हैं। बहरहाल गेंद भाजपा के खेमे में है, उसको ये तय करना है कि उत्तर प्रदेश में उसको सबका साथ सबका विकास करना है या फिर हिंदुत्व के अपने पुराने एजेंडे को अमल में लाना। आज तक ब्यूरो। आज BJP के लिए ऐतिहासिक दिन था क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका 14 साल का राजनीतिक बनवास आज खत्म हो गया। कल्याण सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में इतने बड़े जनादेश वाली BJP सरकार पहली बार शपथ ले रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में नई सरकार के शपथ ग्रहण पर पहुंचे। लखनऊ का स्मृति उपवन आज पावरफुल लोगों से भरा था। BJP और उसके सहयोगी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में पहुंचे तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें काफी चर्चित रही, जिसमें मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए अखिलेश के लिए कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। मैं आदित्यनाथ योगी। लखनऊ का कांचीराम स्मृति उपवन मैदान और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण का मंच आज VVIP नेताओं से भरा था। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, असम से सर्वानंद सोनोवाल, छत्तीसगढ़ से रमन सिंह, राजस्थान से वसुंधरा राजे, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस, गुजरात से विजय रूपानी और दिल्ली से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचे। ये लखनऊ में बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक 90 मिनट थे क्योंकि 15 साल बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार बन रही थी और UP में BJP के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसे चेहरे को चुना गया जो साधु संतों की परंपरा का है और UP में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जाता है। यूपी के अच्छे दिनों के लिए दो चीजों की जरूरत थी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन फ्री गवर्नमेंट, वो दोनों मिलेंगे और इसलिए हम कह सकते हैं कि यूपी के अच्छे दिन आ गए और मोदी इज द बेस्ट। मुझे एक चीज बताइए, योगी इज द बेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह, BJP अध्यक्ष अमित शाह और BJP के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी लखनऊ में नई सरकार के शपथ ग्रहण में पहुंचे। मंत्रियों में वेंकैया नायडू, उमा भारती, रविशंकर प्रसाद, संतोष गंगवार, जनरल VK सिंह जैसे नेता पहुंचे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NDE तिवारी भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रही, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और पूरे 90 मिनट तक शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। अखिलेश जैसे ही आए, उनसे DC दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मिलने के लिए आए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से कुछ देर मंच पर खड़े खड़े ही अखिलेश बात करते रहे। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प तस्वीर तब आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मिले। PM ने अखिलेश के बारे में भी पूछा तो BJP अध्यक्ष अमित शाह अखिलेश की तरफ इशारा करते नजर आए। इसके बाद अखिलेश PM मोदी के पास आए, मोदी ने हाथ मिलाया, हाथ पकड़ा और कंधे थपथपाए। सामने मुलायम सिंह यादव मुस्कुरा रहे थे, आसपास खड़े सभी लोग हंस रहे थे।
मुलायम ने मोदी से अखिलेश को कुछ कहने के लिए कहा, फिर सभी हंसने लगे। मुलायम सिंह यादव बहुत खुश दिख रहे थे। बाद में मुलायम सिंह पीएम मोदी के कान में कुछ कहते नजर आए। ये दिलचस्प तस्वीरें आज मीडिया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। आज तक ब्यूरो खबरदार में अब हम योगी राज के आगाज की रंगारंग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ के हाथों में यूपी की कमान आने पर सबसे ज्यादा खुशी उस तबके में छलकती दिख रही है जो योगी काल को हिंदुत्व के फलने फूलने का सबसे मुफीद सीजन मान रहा है। हमारे तीन संवाददाताओं ने योगी सरकार से उम्मीदों वाली कुछ तस्वीरें कैद की है जिन्हें आज आपको जरूर देखना चाहिए। मैं आदित्यनाथ योगी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया और अब 325 सीटों के जनादेश वाली सरकार के सत्ता में आने से यूपी की उम्मीदों के कोपले भी फूटने लगी। ये डांस, ये गाना, इन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि हसरतें जवां हो रही है। हम लोगों की अपार खुशी है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं। हम लोगों को गर्व है कि गोरखपुर के योगी महाराज जी सीएम हुए उत्तर प्रदेश के, इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरे नगर का विकास होगा, उस विकास से सारे समाज को फायदा पहुंचेगा, किसी एक वर्ग को नहीं, सारे समाज को फायदा पहुंचेगा। बड़े खुशी की बात है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पैर के बिना साइकिल नहीं चलती, योगी के बिना पार्टी नहीं चलती, साले नेता लेते हैं पैसा, कोई नहीं है योगी जैसा। बीजेपी ने योगी सरकार की ताजपोशी का मेगा शो बना दिया। लखनऊ का हवाई अड्डा आज सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील दिखा। एयरपोर्ट के नजारे बता रहे थे कि शहर में कुछ खास हो रहा है। कल से जो जश्न शुरू हुआ है एक तरीके से वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब नारेबाजी से आगे बढ़ के यहाँ एयरपोर्ट पे गाना हो रहा है, नृत्य हो रहा है और लोग बहुत खुश है। तो अपने मुख्यमंत्री के लिए आप लोग गा रही है जी? अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गा रहे हैं। किस तरह का ये नृत्य है आपका? इसको झोड़ा बोलते हैं, झोड़ा नृत्य। पहाड़ के कोई भी अगर शुभ काम होते हैं तो उस पर गाया जाता है ये। हमें खुशी हुई कि दो दो जगह हमारे पहाड़ के ही मुख्यमंत्री हैं, वो भी हम चाहते कि प्रदेश का उद्धार हो, अच्छा हो यहाँ काम। लखनऊ शहर के तमाम रास्ते आज उस स्मृति भवन की तरफ जा रहे थे जहां डेढ़ दशक बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी का काउंटडाउन हो रहा था। रविवार और छुट्टी का दिन था लेकिन लखनऊ की सड़कें ठसाठस भरी थी। बोर्ड में मुस्कुराते चेहरे देखकर मुझे याद आ गया वो पुराना दिन जब लखनऊ में बोर्ड हुआ करता था और लिखा था उस पर, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। हम बात करें उस लखनऊ में जहां पर ये बोर्ड देखकर हमें याद आ रहा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। भीड़ बहुत है, पीछे यहां पर देखें आप, मेरे कैमरा में मजे नहीं उठाते, वो जो सड़क है वो हजरतगंज की ओर जाती है, ये सड़क जाती है, ये देखें आप, ये सड़क जाती है विधानसभा की ओर और यहां पर बीजेपी का दफ्तर है। लेकिन मेरे पीछे देखें आप, ये क्रॉसिंग पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के झंडे, विकास की किरण और हिंदुत्व की जो बात जो रख रहे थे बार बार, अब वो हमारी जो परिपाटी है वो हिंदुत्व चलना शुरू हो जाएगी है। लालच नाम की चीज नहीं है उस व्यक्ति के अंदर, जैसे मोदी जी के अंदर है वही सेम टू सेम योगी जी के अंदर है। सबका साथ सबका विकास, ये योगी जी का, मोदी जी का और पूरे हिंदुत्व का एजेंडा है। अब जरा बीजेपी दफ्तर में शपथ ग्रहण समारोह के पास के लिए हो रही मारामारी भी देख लीजिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीरें हैं, ये मारामारी पड़ रही है पास लेने के लिए। ये पास के लिए हो रहा है सर? सर ये आपके हाथ में है क्या? ये इधर आइए, पास है, पास को लेने के लिए यहाँ पर मारामारी हो रही है। देख रहे आप, ये देखिए आप, इतनी मारामारी हो रही है, हाथ बड़े छीनने हैं, पास इतनी मारामारी हो रही है। सीट है लिमिटेड और आने वाले लोग जो प्रोग्राम में आने वाले लोग हैं वो लाखों की संख्या में हैं। मोदी कहते हैं जनमत पड़ा है, जिम्मेदारी पड़ी है,
बीजेपी फलों से लदे वृक्ष की तरह सलूक करेगी। राम भक्त योगी भी यूपी से निष्ठा की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन समर्थकों ने उत्तराखंड के पंचूर गांव के अजय सिंह बिष्ट को गोरखपुर का योगी बनाया, वो राम और राम मंदिर को नहीं भूल पा रहे। ये योगी आदित्यनाथ की सेना है, हिंदू युवा वाहिनी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा खासा प्रभाव है। और अब जबकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनके तमाम कार्यकर्ता जिलों जिलों से पहुंचे हैं उन्हें बधाइयां देने। ये वो सेना है जो लगातार योगी के साथ रही है, भले वो बीजेपी के साथ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कार्यकर्ता योगी के साथ रहते हैं। अब जबकि मुख्यमंत्री बने हैं, ये बताइए कि हिंदू युवा वाहिनी जो है, इसको माना जाता है कि योगी जी की अपनी संस्था है, उनकी अपनी सेना है। अब जबकि वो मुख्यमंत्री बन गए, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है संघर्ष करेंगे, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में काम करेंगे। हम युवा वाहिनी जो काम कर रही थी वो काम करेगी। हमारा काम था हिंदुत्व मान सम्मान स्वामान का रक्षा करना, लोगों का सहयोग करना। अब हमारे पास भी मौका है कि हम सभी को अपना शानदार तरीके से दिखा सकें, लोगों को दिखा सकें हम सबके साथ सबका विकास। माननीय योगी जी ने उसमें करा था और बता दिया था कि सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे हम। योगी की ताजपोशी पर जश्न का दायरा अच्छा खासा है, सड़कों पर खेतों में नाच गाना हो रहा है, मुसलमानों के जश्न की भी तस्वीरें आ रही हैं, मगर ये सब स्वाभाविक है। जिस टीम की ओपनिंग स्कोर बोर्ड पर 325 की संख्या के साथ हो, उसका खाता तो मोटा चौड़ा होगा ही। सवाल ये है कि योगी खाते को और कितना संपन्न बना पाते हैं, मौसमी सिंह, कुमार अभिषेक, निशांत चतुर्वेदी के साथ बालकृष्ण, लखनऊ आज तक। 22 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ घर छोड़कर सन्यास की राह पर निकल गए थे। अपने घर से मीलों दूर गोरखपुर जाकर आदित्यनाथ ने वो गेरुआ चोला पहना जो आज यूपी की सत्ता का नया ट्रेडमार्क बन गया है। लेकिन योगी के परिवार वालों के लिए वो आज भी उतने ही करीब और अजीज है। योगी की ताजपोशी पर उनके परिवार की खुशी भी देखने लायक है। इस आंगन में होली तो पहले भी खेली गई, लेकिन इस होली की बात ही अलग है। योगी आदित्यनाथ की वो फैमिली होली है जिसका रंग आसानी से फीका नहीं पड़ने वाला। जबरदस्त जश्न का माहौल है, पारंपरिक जो ढोल दमाव है, और छोटा सा गांव है पंचूर, यमकेश्वर ब्लॉक से लगा हुआ पौड़ी जिले का, अजब उनका जो पुश्तैनी घर है वहां पर उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी, माँ, उसके उनके तीन भाई यहाँ पर मौजूद है, उनके तमाम नाते रिश्तेदार, गांव के लोग। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त होली दिवाली जैसा माहौल है। योगी जी आज सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल रहे हैं और हम उनसे यही आशा करते हैं कि यूपी और उत्तराखंड का एक साथ विकास हो। योगी आदित्यनाथ ने 22 साल की उम्र में इस आंगन को अलविदा कह दिया। पौरी के पंचूर गांव से निकलकर वो गोरखपुर की गलियों में पहुंच गए, उन गलियों में जहां से उनकी सियासी दीक्षा शुरू हुई। अब इस घर में आदित्यनाथ की 22 साल पुरानी तस्वीरें हैं और वो रिश्ते हैं जिन्हें वो पीछे छोड़कर आए थे। बड़ी खुशी हो रही है कि उनका जो वो था, लक्ष्य था, वो लक्ष्य आज पूरा हो गया है और मेरा आशीर्वाद उनके साथ है कि वो आगे भी अपने को आगे बढ़ाते रहेंगे और बीजेपी का जो वो है एजेंडा, उसमें वो सबको साथ लेके चलेंगे। आज तक पर ये आदित्यनाथ की फैमिली का फुल हाउस है, हमारे कैमरे की फ्रेम में पूरा योगी परिवार है। इसी घर के इन्हीं कमरों में उन्होंने अपना बचपन गुजारा और यहाँ से 21-22 साल की उम्र में बीएससी करने के बाद वो उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ी। अवैधनाथ जी के शरण में वो गोरखपुर पहुँचे। बचपन में पढ़ाई लिखाई के मामले बहुत अच्छे थे, बहुत तेज थे, पहले से ही तेज। हाँ, तेज थे पढ़ने में, वैसे लोगों को वैसे ने संगत नहीं की। आपकी किस तरह की याद जुड़ी हुई अपने बड़े भाई योगी जी से? उस समय तो मैं काफी छोटा था तो उस तरह की याद है नहीं, लेकिन जब भी आते थे यहाँ पे वही थे कि पढ़ाई करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, पढ़ने के लिए कहते थे।
योगी आदित्यनाथ की कामयाबी अब सिर्फ इस आंगन की कामयाबी नहीं रही, पौरी का ये पूरा इलाका योगी की ताजपोशी पर फील गुड कर रहा है। इसी के साथ खबरदार में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए